अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़रीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें ताकि जैसे ही हम लोग वीडियो पोस्ट करें और आपको उसका जो है नोटिफिकेशन वो टाइमली मिलता रहे। तो वीवर, चलते अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है पैटी बर्गर। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो सी मतलब होती हैं किसी भी कंपनी की, आप लोग जो सी पैटीज है वो ले सकते हैं। और पैटी हम लोगों ने यहाँ पर रखी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर चीज़ स्लाइस हैं, बर्गर हैं और यहाँ पर प्याज, खीरा और टमाटर हैं। तो होम मेड जो से पैटी बर्गर है बहुत ही ईजी टू मेक है, आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं। और अब चलते हैं मम्मा की तरफ और मम्मा से जानते हैं कि मज़ेदार से जो से पैटी बर्गर, क्योंकि आज घर में बच्चे भी आए हैं मेरे कज़न, और इसीलिए उन्होंने कहा है कि आप हमें आंटी बना कर दें और हम लोग आज बना रहे हैं ये बर्गर। जी मम्मा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं आपको बताती हूँ, ये मैं टिक्कियाँ तल लूँगी ना पहले, तो फिर बाद में ये गर्म करके बर्गर, तो फिर इसमें ना ये लगा के ना टिकी हैं, तो मतलब मायनीज और केचप भी हम लोग साथ मतलब उसका टच देंगे ना। ठीक है, हाँ जी, भी ये सलाद वगैरह रख के ना, तो फिर आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो व्यूअर्स आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, मज़ेदार सी जोन सी ये आज हम पैटी बर्गर आपको सिखा रहे हैं वो कैसे तैयार होंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हम लोग जोन से हैं वो पैटीज फ्राई कर रहे हैं, इनको फ्राई कर लेते हैं और उसके बाद हम लोगों ने मायनीज और केचप का टेक्सचर जो है वो एक फ्लेवर देना है। तो मज़ेदार से जोन से बर्गर तैयार होने वाले हैं, बहुत इजी, आप लोग इसको घर में आसानी बना। सलाद रख लें आप, ये ना मैंने ना गोल गोल काट लिए थे, ये देखें हमारे यहाँ ना बच्चे आए हुए हैं, वो कह रहे थे मैं बना के दें आंटी, तो मैंने कहा चलो बच्चों को ना हल्का फुल्का सा खाना बना के देती हूँ मैं। चीज़ें लाहौर से आए हुए हैं, अभी रहेंगे, ईद पे भी नहीं आए थे कोरोना की वजह से, अब आए हुए हैं। ये देखिए अब रख दिया ना, ये देखिए अब ना केचप ले, ये देखिए चले अब ने इसके ऊपर ना, ये देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे बन गए ये, और ये रख देते हैं, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो व्यूअर्स माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जोन सी आज पैटी बर्गर की रेसिपी है वो बिल्कुल फाइनल हो गई है। तो आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर से हमें जोन सी हम लोगों ने इसके अंदर वेजिटेबल रखी हैं वो भी नज़र आ रही है, और जो चीज़ है वो भी नज़र आ रहा है, और बहुत ही यम्मी सा ये लुक दे रहा है, और साथ हम लोगों ने फ्राइज रखी हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको जो आज की हमारी रेसिपी पसंद आएगी, पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक दें। और अगर तक आप लोगों ने हमारे चैनल को क्योंकि इतना सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आपको इस तरह की हर आने वाली ही नई नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। तो व्यूअर्स, लेते हैं अब आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। हम आपके लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।